तो आज हमारी क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं पिक्चर लिंक के बारे में। जी हाँ, पिक्चर लिंक, इसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई रिपोर्ट बनाया, सिंपल सी रिपोर्ट आपके सामने मैं बनाता हूँ। एक सिंपल सा हमने रिपोर्ट बनाया, और फिर इसको हमने फॉर्मेट कर दिया। अब प्रॉब्लम है कि मुझे इस रिपोर्ट को एक छोटे से एरिया में दिखाना है, ठीक है सर? तो हम इसको कॉपी करेंगे, क्योंकि अगर मैं मान लीजिए इसको छोटा करूंगा तो पूरा कॉलम छोटा होगा, तो हो सकता है इसके नीचे काफी बड़ा डेटा हो, तो दिक्कत हो जाएगी सर। तो हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद हम यहां पे आते हैं पिक्चर लिंक, पिक्चर पे सबसे पहले जाते हैं। पिक्चर ही होता है तो पिक्चर विदाउट लिंक होता है, और इसको अपने हिसाब से छोटा कर सकते हो, ये ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है, अपने हिसाब से मूव वगैरह कर सकते हो, तो ये इस हिसाब से चलता है। ओके सर, लेकिन आपके डेटा अपडेट नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे कोई डेटा अपडेट करते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे रेड कर दिया इसको, तो ये हमारा अपडेट नहीं होगा। तो आप चाहते हैं कि मेरा डेटा मेरे इसके साथ अपडेट हो, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक कर देता हूँ, ठीक है? अब इसमें क्या होगा कि कुछ भी चेंज करते हैं, चाहे वो कलर हो चाहे वो नंबर्स हो, वो आपका पिक्चर, जैसे मैंने 65 को मान लीजिए मैंने यहाँ पे 165 कर दिया, देखिए यहाँ पे 165 हो गया। अब मान लीजिए कि मैंने एक तो 12 तक था, अब नया डेटा ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे, मान लीजिए कि नीडल्स का एक डेटा ऐड कर दिया। ये डेटा इसमें कैसे ऐड होगा? तो हर एक जो भी लिंक होता है वो किसी न किसी पिक्चर के, किसी न किसी फॉर्मूले के थ्रू होता है। तो जैसे आप पिक्चर को सिलेक्ट करोगे, यहाँ ऊपर जो आप देख रहे हैं एक फॉर्मूला है सर, पाथ है ना सर, एड्रेस है रेंज का, इसमें 12 और 13 है, तो मैं यहाँ पे 12 को डिलीट करके 13 कर देता हूँ, हो गया सर। और सेम सीट अनदर सीट में भी कर सकते हैं आप, कम करना है यहां से डिलीट कर दीजिए, कम कर दीजिए, बढ़ाना है तो बढ़ा दीजिए, तो इस हिसाब से आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है? अब इसका यूज यही नहीं, इसका यूज हम लोग वर्ड पावर पॉइंट पर भी करते हैं। जैसे मैंने इसको कॉपी किया और मान लीजिए कि मैं खोलता हूं वर्ड, एमएस वर्ड, और इसमें भी मैं पेस्ट स्पेशल और यहां पे पेस्ट ऐसे पिक्चर लिंक कर देता हूं, पेज से लिंक, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि अब मैं एक्सेल में कुछ भी चेंज करूंगा, जैसे मान लीजिए मैं इसकी बैकग्राउंड कलर को पूरा रेड कर दिया, तो आपको यहां भी हो जाएगा। अगर किसी केस में नहीं होता है तो राइट क्लिक कीजिए और यहां अपडेट लिंक कर दीजिए, आपका अपडेट होगा। सेम इसी तरह से पावर पॉइंट पे भी कर सकते हैं। हाँ, इसका यूज हम लोग आउटलुक में करते हैं। आउटलुक में क्या, जैसे कि मैं एक ऑफिस में काम करता था, तो वहां पे मुझे हर एक घंटे पे सेल्स अपडेट देना होता था, जैसे मंथ एंड स्टार्ट होता था, क्लोजिंग स्टार्ट होती थी, तो बॉसेस हमारे हर एक महीने पे सेल्स का अपडेट मांगते थे। तो एक रिपोर्ट थी जो कि सेल्स से बाय डिफॉल्ट अपडेट होती रहती थी, तो ऐसे क्या करता था, उस रिपोर्ट को हम आउटलुक ओपन करते थे और मेल बॉडी में पेस्ट करके भेज देते थे, और ये काम मुझे हर घंटे करना पड़ता था। तो हम क्या करते थे, आउटलुक खोलते थे और हम टेम्पलेट बना लेते थे। कैसे बनाते थे टेम्पलेट, चलिए हम आपको बताते। टेम्पलेट बनाने के लिए हम एक नया मेल कंपोज करते थे।
अब इस नई मेल में हम क्या करते थे कि यहाँ पे जिसको मेल भेजना है उसका डाल दिया हमने, सीसी में किसी को भेजना है, मैं पूरा मेल कंप्लीट कर देते थे सर। और टेस्ट में इसमें सब्जेक्ट में मान लीजिए कुछ डाल देता हूँ, और मेल वर्डी में जैसे कि कुछ डालना है डियर समाइन वगैरह वगैरह डाल दिया, और उसको कॉपी किया और यहाँ पे वैल्यू पेस्ट स्पेशल में यहाँ लिंक में इसको बक्शीट को सिलेक्ट करके ओके कर दिया। और इस फाइल को इसको सेव नहीं करूंगा मैं, इसको सेव के जगह पे मैं करूंगा सेव एज। और सेव एज में मैं यहाँ आउटलुक सिलेक्ट करता हूँ और लोकेशन में नाम वगैरह देके सेव कर लूँ। अब मैं फाइल को क्लोज कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सेव करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे जब मेल भेजना होगा ना सर, तो मैं अपने उस सेल्स वाले को ओपन करूँगा। यस करूंगा, एक नया मेल हो जाएगा और इसको सेव कर दूंगा। तो हमें क्या करना है, बस अपने एक्सेल फाइल को अपडेट करना है। जैसे मान लीजिए एक्सेल फाइल को मैंने अपडेट किया, मान लीजिए फुलर कर दिया, अब मुझे मेल भेजना है तो मुझे बार बार कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट मुझे एक्सेल की टेम्पलेट को खोलना है और मेरा डेटा अपडेटेड मिलेगा। ठीक है, और हमें जस्ट सेव कर देना। तो बार बार जो मैं कॉपी पेस्ट करना होता था, मेल टाइप करना होता था और पेस्ट करना पड़ता था, ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं। ओके, तो इजीली हमारा कॉपी पेस्ट हो जाता है। अब इसमें जो है अगला टॉपिक आता है वो आता है पिक्चर लुकअप का। ठीक है, पिक्चर लुक का मतलब आप वी लुकअप तो जानते होंगे सर। वी लुकअप जैसे वैल्यू को लुकअप करता है, हेलो, तो वी लुकअप जो है लुकअप इसको लुकअप करता है ना, वैल्यू को लुकअप करता है ना, किसी वैल्यू के अकॉर्डिंग पिक्चर को लुकअप करना है तो हमारा पिक्चर लुकअप होता है। ठीक है, हेलो, हाँ सर, तो वही चीज आपको यहां पे समझाने वाला हूं। तो इसके लिए हमने अभी आपको एक वीडियो भेजा है सर,